फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं निखिल गिरेवाल गैर कस्टम से मैं अब आपके सामने एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम मैकेनिकल काम कर रहे हैं, जिसमें इसके लीफ का वर्क कर रहे हैं हम, जो क्योंकि इस गाड़ी के लीफ पूरे टूटे हुए थे तो हमें लीफ का वर्क पहले करना पड़ रहा है, तभी उसकी गाड़ी की हम डेंटिंग कर पाएंगे और उसका जो आगे का प्रोसीजर जो होता है वो हम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस दूसरी गाड़ी में मेरा व्यू करो, देखो हम इसमें मैकेनिकल काम लीफ का वर्क हम कैसे कर रहे हैं। लीफ का वर्क कर रहे हैं, ये पूरी हमने फिटिंग खोल रखी गाड़ी की, क्योंकि इसके लीफ का वर्क करना जरूरी इसलिए था क्योंकि गाड़ी की लीफ टूटी हुई थी, गाड़ी की जो हमारे ऑप्शन चाहिए थी। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हम किस गाड़ी को किस तरीके से रिस्टोर करते हैं, वो एकदम किस लुक की होती है पहले और उसमें फिर हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे सारी फिटिंग खोल रखी है, सारे किन सारे इसके बेयरिंग बुश वुश सारे नेड लेंगे। आपको व्यू करा रहा हूँ गाड़ी की, इस गाड़ी की पहले लीव पहले टायरों पे चलने लायक होगी। देखो अभी कैसे इसके हो रखे हैं, एक्सल वगैरह सब बाहर निकल रखी है गाड़ी के, तो सारा हम इसका काम करना पड़ेगा पहले हमें मैकेनिकल का, जिससे गाड़ी आगे पीछे मूवमेंट हो, जो इससे हम इसकी गाड़ी की फिटिंग खोल पाए। आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ कि देखो हम कैसे आज काम कर रहे हैं। ये हमारी 03 व्हीकल हमारा, ये इसकी पूरी फिटिंग खोल दी हमने गाड़ी की और इसका देखो ये लीफ का वर्क चल रहा है यहाँ पर, जिससे लीफ का वर्क चल रहा है, लीफ का वर्क चल रहा है, सारे बुश सब हम पहले डाल देते हैं इसमें अच्छी तरह, सारा काम कर देते हैं बढ़िया तरह, जिससे कि कोई परेशानी ना हो किसी तरह की। ये गाड़ी हमारी 03 व्हीकल है, इसमें हम सारा काम कर रहे हैं और सारी फिटिंग, इसकी सारी फिटिंग भी खोलेंगे, सारी फिटिंग खोलेंगे, सारा मैकेनिकल सारे बुश सारे नए डालेंगे इसके आपको हम अभी, क्योंकि मैकेनिकल काम पहले हमें डाउन पोर्शन करना पड़ता है जिससे कि गाड़ी हमारी आगे पीछे मूवमेंट कर ले और अच्छी तरह काम हो जाए गाड़ी का, इसलिए हमें करना पड़ता है ये। एंड उसके बाद सारी इसकी फिटिंग ओपन होगी गाड़ी की। मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ ये वाली भी, जैसे नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी हमारी है, कहीं से बहुत ज़्यादा डैमेज गाड़ी नहीं है ये, कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं हमारी है। आप देख रहे होंगे लोग डाउट रहते एक्सीडेंटल गाड़ी ना हो, आप इंजन देख लो, इंजन भी एकदम प्रॉपर है अभी वैसे, बट हमें तब भी इसका हमें अपना इस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, हम तब भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सारी फिटिंग खोलेंगे इसकी गाड़ी की और सारी मैकेनिकल काम हम तब भी करेंगे ही, हमें पूरी गाड़ी करना ही है तभी हमें सेटिस्फेक्शन होगी पूरी गाड़ी की। हाई मैकेनिक की गाड़ी पूरी कंप्लीट है, हमारी सेटिस्फेक्शन तभी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपकी हर एक सॉल्यूशन में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लीफ वगैरह ला रहे हैं, ये टोयो की लीफ है हमारी जेन्युइन, आपको दिखा देता हूँ, चाहे जूम करके भी देख लो, ये हमारी टोयो की लीफ है जेन्युइन जो इसमें लगा रहे हैं और ये हम इसमें फिट कर रहे हैं सारे इसके बुश वगैरह सब कुछ हम इसमें लीफ के करे हैं, क्योंकि सारा लीफ का वर्क होता तो ही हमारी गाड़ी आगे पीछे मूवमेंट हो पाती। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इसका लीफ का वर्क हो रहा है हमारा प्रैक्टिकली सारा, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, सारी लीफ का वर्क हो रहा है। अभी इसका ब्रेक का भी वर्क होगा, निकल किट बैरिंग वगैरह सब वर्क करेंगे, पहले हमें गाड़ी आगे पीछे मूवमेंट हो जाए और उसके बाद हम इसका सारा वर्क करेंगे। सो प्लीज आप देखते रहना मेरी वीडियो पे, सारी वीडियो को चेकआउट करते रहना फ्रेंड्स, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ को लेकर मैं आपको क्लियर करूंगा, सारी चीज़ में आपकी मैं सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।